चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई को लेकर। कहीं ना कहीं आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब ये राहत एक बार फिर से परेशानी बन गई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, साथ ही रसोई गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि खाने की थाली एक बार फिर से महंगी हो गई है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, एलपीजी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, और फूड की बढ़ रही कीमतों के बीच में तेल कंपनियों ने करीब 137 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमतों में जहां 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। रसोई गैस भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर महंगा होने से उनका बजट भी बिगड़ जाएगा। और साथ ही हम आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा और महंगी हुई है रसोई गैस। आम लोगों का कहना है कि अब रसोई गैस महंगी हो गई है, किचन का पूरा बजट बिगड़ जाएगा, और महंगाई का यहां पर ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जो महंगाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ने लगी है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, रसोई गैस महंगी हो गई, तो साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे, खाने पीने का सामान भी महंगा होगा, तो खाने की थाली एक बार फिर से महंगी हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इजाफा देखने को मिल रहा है। लगभग 137 दिन बाद पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, डीजल के दामों की में इजाफा देखने को मिला है। तो बढ़ गया 50 रुपये, पहले कितना था? पहले 957 था, अभी 50 बढ़ गया, 1007 रुपये हो गए। इससे पहले भी बढ़ा था? पहले तो नहीं, 3 महीना नहीं बढ़ा था, यही था 957। हाँ, बढ़ा। दिक्कत रहता है गैस का दाम का? बहुत दिक्कत होता है, अभी कमा जमा भी नहीं है। वो बोलते हैं कि इतना कैसे हो गया, अभी 50 रुपये, अभी 50 रुपये है। गरीब आदमी को बड़ी दिक्कत हो जाता है? हाँ, उनको तो बहुत दिक्कत है। सब्सिडी शायद 37 रुपये आता है, किसी का आता है किसी का नहीं भी आता है। तुरते देखिए कभी घट जाता, 20 रुपया घटेगा, अब फिर देखिए एक महीना डेढ़ महीना बाद सुन रहा 50 रुपया आगे बढ़ जाता है। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी हमको तो लेना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, सरकार जैसे चलाएगा वैसे चलाना होगा। गैस का दाम क्या लग रहा है, फिर बढ़ गया? गैस का दाम तो बहुत बढ़ गया, हम लोग तो गाँव में अपना गैस आपको 970 रुपया 75 रुपया में लेते हैं। तो सरकारी तेल कंपनियों ने लगभग 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है, जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए परेशानी बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी राहत थी, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में आम जनता की परेशानी भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज से पेट्रोल और डीजल के भाव 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इससे पहले 4 नवंबर को देश में ईंधन के दाम बढ़े थे, और आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें भी लागू हो चुकी है। राजधानी पटना में स्पीड पेट्रोल की जो कीमत है 111 रुपए 16 पैसे रही, हालांकि जो पहले 110 रुपए 85 पैसे थी, यानी कि 83 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं नॉर्मल पेट्रोल के दाम आज 106 रुपए 80 पैसे हो गए हैं, जो पहले 105 रुपए 93 पैसे थे, यानी कि 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 91 रुपए 96 पैसे, जो पहले 91 रुपए 16 पैसे थे, यानी कि 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो महंगाई एक बार फिर से बढ़ गई है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। इसमें हमला बोलने का बात नहीं है, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थ का अनुमान ही है, पूरे दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, तो भारत में भी अगर कुछ पैसा बढ़ा है तो ये तो असंतुलन पैदा हुआ है युद्ध से, और जब कभी भी दुनिया में युद्ध होते हैं तो असंतुलन पैदा होता है और आवागमन में दिक्कत होती है। तो पेट्रोलियम पदार्थों का, चूंकि पूरे दुनिया का कम्युनिकेशन पेट्रोलियम पदार्थों पर है, तो उसमें ऊपर नीचे होता है, इसमें कोई उपहास उड़ाने और छाती पीटने का कोई सवाल नहीं उठता। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी के पॉकेट पर पड़ता है। यहां तक कि जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं होती हैं,
उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी इजाफा होता है, इससे भी खासी दिक्कतें होती हैं। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकारों ने जो बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी उनमें कटौती करके आम जनता को राहत दी थी, लेकिन फिर से एक बार जो इजाफा हुआ है इससे आम आदमी चिंतित होता है। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, राजनीति का भी विषय नहीं है। इसके लिए केंद्र की सरकार को प्रदेश की सरकारों से बातचीत करना चाहिए ताकि कैसे हर किसी को इससे राहत मिल सके। इस तरह की बातें कॉमन लोगों को समझ में नहीं आती। यूक्रेन और रशिया में तो आज पिछले 20-15 दिन से संकट भरा है, उससे पहले कौन सा पेट्रोल डीजल सस्ता था? लोगों को पहली बार 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल, 100 रुपये से ऊपर डीजल प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है और 1000 रुपये से ऊपर का गैस सिलेंडर हो गया। तो आप तो ऑलरेडी कीमतें बढ़ा चुके हैं, अब रशिया और यूक्रेन संकट के नाम पर क्यों आप इसको ढकना चाहते हैं? बहुत गंभीर स्थिति जो है पैदा होने वाली है, और इस बीच में जो युद्ध हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको लेकर के लोग पहले से ही आशंका व्यक्त कर रहे थे कि पूरे दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि बावजूद इसके कि अमेरिका नहीं चाहता था, किंतु हम लोगों के देश ने उनके साथ जो है कच्चे तेल के आपूर्ति के लिए एग्रीमेंट किया, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है क्योंकि आप एक तरफ तो दुनिया को कह रहे हैं कि साहब रूस से आप संबंध तोड़िए, खास करके आर्थिक नाता तोड़िए, और दूसरे तरफ यूरोप 40% जो है अपना एनर्जी जो है वो रूस से लेता है, तो आप जो है नहीं तोड़िएगा, दूसरे को कहिएगा कि तोड़िए, नहीं चलता है। इस मामले में भारत सरकार का फैसला ठीक है, रूस से हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, और ऐसे में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, साथ ही अभिषेक भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, लगभग ये कह सकते हैं कि आम जनता ने अभी राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर से महंगाई का अटैक। स्वाभाविक तौर पर पिछले दिनों आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले ही केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कटौती की थी, लेकिन फिर से दाम बढ़ चुके हैं और लोगों पर ये एक्स्ट्रा बोझ अब आने लगा है। और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आज की तारीख में भी लोग उसी अंदाज में पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डीजल ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी आम आदमी की बात होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़ोतरी हो गई सर। ऐसे बताना चाहूंगा, मैं श्याम बिजनेस सॉल्यूशन से को फाउंडर रजत गुप्ता बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी क्या है कि हम लोग भी डेली का वर्क वगैरह करते हैं, बहुत सारा कंसल्टेंट फॉर्म है, डेली पेट्रोल वगैरह भर रहे हैं, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। इसमें सेंट्रल को ये बहुत अच्छा नज़र से देखना चाहिए कि नहीं है डेली के डेली रेट्स हाई एंड अप हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं मैडम, आप लोग तो घर भी चलाती हैं, रसोई गैस की कीमत भी बढ़ रही है, किस तरह से देखते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बोल सकते हैं, जो जरूरत का चीज़ है उसका तो करना ही होता है ना, जरूरत की चीज़ तो होनी ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए पब्लिक है, और पब्लिक ये साफ तौर पर कह रही है कि जो ज़रूरत की चीज़ है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर भी असर पड़ने लगता है। रसोई गैस के दाम भी बढ़ गए, तो ऐसे में सीधा जो अटैक है वो आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक भी पेट्रोल पंप पर मौजूद है। अभिषेक, लोगों का क्या कुछ कहना, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि देखिए एक साथ अगर इजाफा होता है, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम चीजों में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि आम आदमी का बजट आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ने वाला है। बिल्कुल प्रीति, अगर देखें तो तमाम जिस तरह से हाल के दिनों में जो केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई थी, 100 के पार पहुंच गया था और फिर एक बार जो है 80 पैसा बढ़ाए गए हैं, तो देखें तो जिस तरह से आम आदमी के जेब पर भारी पड़ ही रहा है, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से उस महंगाई को देखते हुए सब्सिडी दिया गया था
प्रत्येक लीटर 25 रुपया सब्सिडी दिया गया था वो बीपीएल कार्डधारी को, तो जिससे लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। लेकिन आम लोग जो इस तरह से हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इनसे क्या लगता है? सर, लगातार देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, हाल के दिनों में 100 के पार पहुँच गए थे, फिर 80 पैसा बढ़ गया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, गवर्नमेंट महंगाई बढ़ रही है, बढ़ना ही है। जैसा कि हम लोग को पता है यूक्रेन के साथ रसिया का लड़ाई चल रहा है, ठीक है, तो इस कारण से हमारा वो रेट जो है वो तो बढ़ना है, क्योंकि जो और है, जो हमारा कच्चा तेल आ रहा है वो महंगा आ रहा है, तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार आखिर सब्सिडी कब तक देगी? आखिर हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग सब चीज़ सरकार के ठीकरे पे नहीं फोड़ सकते माथे पे कि हाँ भाई सरकार ने महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई तो बढ़नी है, लेकिन अपने आप को भी समझना है ना कि भाई कैसी क्या हो गई, क्यों महंगाई बढ़ रही है, इस पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देना है। बस यही बोलूँगा, और तो कुछ नहीं। इस तरह से लोगों का राय है, अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि गैस के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जो गैस का दाम में भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो इसको लेकर और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े रहे हैं लगातार, पहले भी बढ़े हुए थे, 80 पैसा फिर बढ़ गया, क्या कुछ कहना तो नहीं है अभी, अभी तो आइडिया नहीं हुआ है कि बढ़ा है तो कि नहीं, कितना बढ़ा है, 80 पैसा बढ़ गया। देखिए बढ़ तो रहा ही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि लोगों का अलग अलग राय है, फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। भुखमरी बढ़ गया है भैया, और कोई बात नहीं है, पेट्रोल से बढ़ता है तो सारा चीज़ बढ़ रहा है, ये नहीं किसी को देखिए कि सारे चीज़ों में महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, और लोगों को मजबूरी है कि आखिरकार पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर एक जो बिल्कुल एक जो आम जनता का कहना है कि अब क्या कर सकते हैं, ये अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। अभिषेक, आपका शुक्रिया। आशुतोष, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, हालांकि